शिवपुरी जिले के बैराड़ के कालामढ़ में रहने वाली काव्या धाकर का काला स्वच्छ बाहर आ गया है। कोटा शहर पुलिस अधीक्षक का अमृता दुहन ने दावा किया है कि काव्या धाकर का अपहरण नहीं हुआ है, उसके विदेश जाने के लिए यह है अपहरण की साजिश रची है। एसपी अमृता दुहन ने बताया कि छात्रा 3 अगस्त 2023 को अपनी मां के साथ कोटा आई थी। मामले में हर फैक्ट को चेक करने के बाद क्लियर हो गया है कि छात्रा के साथ किसी तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। छात्रा अपने दो दोस्तों के साथ थी। छात्रा और उसका एक दोस्त पुलिस को नहीं मिला है। उनसे अपील है कि वह जहां भी हो नजदीकी पुलिस से संपर्क करें। छात्रा की सुरक्षा को लेकर परिजन और प्रशासन चिंतित है। इससे पहले छात्रा को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। 18 मार्च का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें वह दो लड़कों के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। कोटा पुलिस भी यहां जांच करने पहुंची है। सीसीटीवी के आधार पर युवती की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा रहा है। दिनांक 18 को शाम को हमें जो शिवपुरी पुलिस विभाग से हमें सूचना मिली कि वहां के जो एक रघुवीर जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को कोटा में पढ़ने के लिए पिछली अगस्त को छोड़ा था और आज 18 तारीख को शाम को उनके फोन पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज और फोन आया है कि आपकी बेटी हमारे पास है और फिरौती में 30 लाख की डिमांड की गई है। उस पर हमने त्वरित एक्शन लेते हुए टीमें गठित की थी और सभी जगह पे जहां जहां पर हम तकनीकी जो साक्ष्य हमें मिले, हमने जो आसूचना संकलन की, जो पूछताछ की विभिन्न जगह पे, तो उसमें हमने अलग अलग जगह पे टीम भेजी, जिसमें जयपुर, इंदौर, वहां पर भी टीम हमारी अभी भी मौजूद है। तो जो अभी तक हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट आई मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ। तो जो ये घटना है, ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। जो सीसीटीवी मिला है, जो चल रहा है मीडिया पर, मैं उसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, किंतु ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को, 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए, माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 को। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी, तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। जो अभी तक बात सामने आई है, ये जो बच्ची है उसके साथ वो दो दोस्त थे, उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है, मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र है, वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे।